राजक परिवार, श्रीमान ताराचंद जी, श्री टीकम जी, श्रीमती अरुणा जी, हेमराज जी, मोनू, स्वाति जी, दीपांशी, हर्षित, खुशी, गुनगुन, पुण्य, दयाक्षी, समस्त मित्तल परिवार, रामथला वाले केकड़ी, राजस्थान। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनार टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम श्री 1008 श्रीफल अर्पण में। दर्शकों, राजस्थान के गुड़गांव स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, जहां भूगर्भ से स्वतः ही प्रकटित महातिशयकारी श्री 1008 भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिनांक 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के पुनीत अवसर पर प्रभु चरणों में 1008 श्रीफल भक्त जनों द्वारा अर्पित किए गए, जहां भक्त जनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तो आइए बिना देरी किए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन जब मुनि विष्णु कुमार जी द्वारा 700 मुनियों की रक्षा की गई, तब से ही जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाने लगा। प्रतिवर्ष जैन समाज इस पर्व को भव्यातिभव्य रूप में मनाता है। ऐसे में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान के गुड़गांव स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, जहां भूगर्भ से स्वतः ही प्रकटित महातिशयकारी श्री 1008 भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा विराज मान है। ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के पुनीत अवसर पर प्रभु चरणों में 1008 श्रीफल भक्तजनों द्वारा अर्पित किए गए, जहां भक्तजनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सर्वप्रथम मंत्रों की ध्वनि के साथ श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा वेदी जी में विराजित मूल नायक महातिशयकारी श्री 1008 आदिनाथ भगवान एवं अन्य जिन प्रतिमाओं का पूर्ण भक्ति भाव से अभिषेक किया गया। ओम रीम क्लीम क्षेम क्षेम ब्रह्म वृद्धि सिद्धि दायक आदिनाथाय नमः। ओम रीम क्लीम क्षेम क्षेम ब्रह्म वृद्धि सिद्धि दायक आदिनाथाय नमः। ओम रीम क्लीम क्षेम क्षेम ब्रह्म वृद्धि सिद्धि दायक आदिनाथाय नमः। तदुपरांत भक्तों ने विश्व शांति की मंगल कामना के साथ प्रभु जी की शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम नमः सिद्धेभ्ये, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रवि द्रवि द्रव द्रवाय नमोर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लों मं पापं खंडे खंडे जय 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 पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरं जं जीं क्षीं हं सं जं वं है ये से क्षां क्षीं क्षों क्षीं क्षों क्षं क्ष क्षीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रों ह्रं ह्र द्रं द्रवि द्रवा द्रवा नमोर्ते भगवते श्रीमते टेट अस्माकम्। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मशिवानाथ भुजौ शान्तिं कुरु स्वाहा। आयुर्वेदम सकल सुप्ले दिखिवात्म स्वप्नम धीरम वीरम शरीरम निर्भय तत्वांजो कीर्ति सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतिध्वनि स्फूर्ति प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विद्रुद्रु जगता मुक्तिमा शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां येतेन्द्र सामान्य बोधनानां देशस्य दर्शस्य पूर्णस्य रागे करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम्। तत्पश्चात संगीतमय वातावरण में मंत्रों की ध्वनि के साथ उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा अष्ट द्रव्य के साथ विधान के मंडल पर अर्घ अर्पण किए गए। स्वस्ति चलति मल बोध सुधा प्लवाय स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक विदिते कचिदुद्गमाय
स्वर्ति काल सकलायत विस्तृताय पुण्यम समग्रमहमेकमनाजुवे प्रतिज्ञानाजिन प्रथमाग्रे पुष्पाञ्जलिं क्षिपेतं प्रभ श्रीपुष्पदन्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्रीयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्य। इस दौरान पंडित जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में उपस्थित भक्त मंत्रों के साथ क्रमानुसार 24 तीर्थंकरों को अर्घ समर्पित कर रहे थे। ओम रिम श्री 1008 महातिशे गारी गुणोदय वाले बाबा आदिनाथ नरेंद्र अत्र संवसति तवानम जय हो। ओम रिम श्री 1008 महातिशे गारी गुणोदय वाले बाबा आदिनाथ नरेंद्र संसार का विनाश नहीं चन्नम निर्वामिति स्वाहा। ओम रिम श्री 1008 महातिशे गारी गुणोदय वाले बाबा आदिनाथ नरेंद्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वामिति स्वाहा। अनादिकालिके भोगों से छुता रोग ना मिट पाया छुता रोग मिटाने हेतु निवेद समर्पण को आया। बच्चे हो या बुजुर्ग सभी ने इस मंगलकारी अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मानो सभी प्रभु भक्ति में मंत्र मुग्ध थे। तत्पश्चात श्री 1008 श्रेयांसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के पुनीत अवसर पर प्रभु के श्री चरणों में सौभाग्यशाली भक्तों को निर्वाण लाडू अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रावण के सुधियादि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार कोटि पंज अरु लाख पचास ते बंदो धर परम हुला देवा नदी सिद्ध वर कोट पश्चिम दिशा देह जह छोड़ काम कुमार उठ कोड़ी बंदो बल पार बड़वाणी बड़ नार सुचन दक्षिण दिशि गिर चूल तंग इंद्रजीत अर कुंभ जुकर्ण ते बंदो बव सायर सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरी वर शिखर मझार नदी तीर के पास मुक्ति गए बंधो निजी बड़ गो पश्चिम दिशा द्रोण गिरी रूप गुरुदत्ता दी मुनि सुर जहा मुक्ति गए बंधो निजा बाल महाबाल मुनि दो नाग कुमार मिले त्रय हो पद मुक्ति मजार पुरंगो नित सूरत संभापुर की दिशा ईशान तहा मेंड गिर नाम प्रधान तिनके चरण नमोचित वंशस्थल वन केड़े हो पश्चिम दिशा कुंत गिरी सो कुलभूषण दिशि भूषण नाम तिनके चरण न कर परणाम दशरथ राजा की सुत कहे देश कलिंग पांच सो लहे कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं जोड़ जुगपान शम शरण श्री परशु जिनन रेशम दी गिरी नयनानंद वरदाता दि पंच ऋषिराज ते बंदो नित धर्म दिहार तीन लोक की तीरथ जहां नित प्रति वंदन कीजे तहां मन वच काय सहित सिर ना बिनाई सामने शिखर शिव पाया हम सब ने शीश झुकाया शुक्ल पूर्णिमायाम मोक्ष कल्याण मंडिरा श्री श्रीयांसनाथ निंद्राय नमः अनेक पद पाता अर्घ्यम निर्वामिति।
और श्रेयस नाम भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। जिसके बाद प्रभु के श्री चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। कृपाल की आई प्रभु मुस्काए। इस दौरान मानो समस्त वातावरण प्रभुवर के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। रक्षा कर सुगुरु वात्सल्य पाला, मुनि मुनि संग को हम सब भक्ति से अब बुलाते हैं, हृदय में स्थापना करके निकट कर भक्ति गाते हैं। तत्पश्चात मुनि विष्णु कुमार जी का स्मरण कर भक्तों द्वारा लौंग अक्षत आदि अर्घ समर्पित किए गए। कंपनादि सत सद मुनिन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ तत स्थापना। ओम रे कंपनादि सत सद मुनिन्द्र अत्र मम सन्निधौ भव सन्निधिकरणम स्थापनम। जय हो इस दौरान पंडित जी द्वारा उपस्थित भक्तजनों को रक्षाबंधन के पवित्र पर्व का महत्व भी विस्तार पूर्वक समझाया गया। तत्पश्चात उपस्थित भक्तों द्वारा क्रमानुसार 700 मुनियों का स्मरण कर प्रभु के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित किए गए। इसी क्रम में एक एक कर मंत्र उच्चारण के साथ 1008 श्रीफल प्रभु के श्री चरणों में भक्तों द्वारा भक्ति भाव से चढ़ाए गए।
अखम ब्रह्मचारी आदि 552 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा ब्रह्मचारी आदि 553 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा 637 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम ब्रह्मचारी आदि 638 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम ब्रह्मचारी आदि 639 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम ब्रह्मचारी आदि 668 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम ब्रह्मचारी आदि 669 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम ब्रह्मचारी आदि 639 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम 692 भी मिलिंद्राय नमः अखम पंते स्वाहा अखम निर्पंते स्वाहा कुमार मुनि की बोले सरताला ताकी बात रही जाना मेरे को बोले जमारा पारस जी बोले जमारा पारस जी मेरे दोस्त भैया। इस दौरान भक्त प्रभु भक्ति में झूमते नजर आ रहे थे, साथ ही भक्त भक्ति भाव में झूमते गाते अर्घ समर्पित कर रहे थे। श्री सुधा सागर मुनिंद्राय आगरा में साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद में नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यमी। ओम ह्रीम श्री बाल पूजा बाल वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरभ्यो नमः प्रतमान्यो करणान्यो चरणान्यो द्रव्यानिभ्यो नमः दर्शन विशुद्धाटि षोडश कारणेभ्यो नमः उत्तम क्षमादि दश लक्षण द्रव्येभ्यो नमः सम्य दश सम्य ज्ञान सम्य चारित्रेभ्यो नमः जल के विषय तल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगर विषय लो मध्य लो पाता लो विषय विराजमान करते मा करते जिन चेताले जिन भ्यो नम विदे क्षेत्र विद्यमान विस्तृत भ्यो नम पांच भरत पांच राव दस चत संबंधी तीस चौबीस के सात सौ जिन राज भ्यो नम नंदीश्वर दी संबंधी बावन जिन चेताले भ्यो नम पंचमेरु संबंधी अस्सी जिन चेताले भ्यो नम। जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा क्रमानुसार प्रभु की आरती उतारी गई। दर्शकों, यह राजस्थान स्थित गुलगांव वासियों के पुण्य का उदय ही था, जो उन्हें रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर प्रभु के श्री चरणों में 1008 श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। दर्शकों, श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन जब मुनि विष्णु कुमार जी द्वारा 700 मुनियों की रक्षा की गई, तब से ही जैन धर्म में रक्षा बंधन पर्व मनाया जाने लगा। प्रतिवर्ष जैन समाज इस पर्व को भव्यति भव्य रूप में मनाता है। ऐसे में इस वर्ष राजस्थान के गुलगांव स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर दिनांक 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के पुण्य अवसर पर प्रभु चरणों में 1008 श्रीफल भक्तजनों द्वारा अर्पित किए गए। इस दौरान मानो समस्त वातावरण भक्तिमय बन गया था, हर कोई प्रभु भक्ति में मुग्ध था। दर्शकों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। पुण्याचक परिवार, श्रीमान ताराचंद जी, श्री टीकम जी, श्रीमती अरुणा जी, हेमराज जी, मोनू, स्वाति जी, दीपांशी, हर्षित, खुशी, गुनगुन, पुण्य, दयाक्षी, समस्त मित्तल परिवार, रामथला वाले केकड़ी, राजस्थान।